दोस्तों 2023 में काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले और यमा कैसे रुक सकता है गाइस। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का तो रुक जाना, क्योंकि यार यमा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले हैं, जो कि काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उससे एक ना एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2023 में आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस यमा की इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो खासियत है गाइस, जो कि 4000 साइकिल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले बैटरी में। जी हाँ गाइस, 4000 साइकिल मतलब जो हमारे इंडिया में ज्यादातर जो LFP बैटरी यूज होती है उसमें आपको 2000 साइकिल होती है, चार्जिंग साइकिल यहाँ पर बता रही कंपनी। तो चलिए यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और हाँ गाइस, 2022 में ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली थी यमा की, बट यार गवर्नमेंट के न्यू रूल्स और फायर यहाँ पर जो काफी लग रहे थे, इसकी वजह से जो इन्होंने थोड़ा सा लेट किया है। तो 2023 में आप लिख के रख दो गाइस, इसमें से कोई ना कोई एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी यमा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो तीन मॉडल यहाँ पर लिए, क्योंकि यार ज्यादा चांसेस यही है कि तीनों में से कोई ना कोई देखने को मिलने वाला है इंडिया में। नंबर थ्री पर गाइस आ जाती है यमा की तरफ से E01। जी हाँ गाइस, E01 जो कि 2019 में यहाँ पर जो इवेंट में इन्होंने शोकेस वगैरह किया था, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का गाइस लुक यहाँ पर जो डेफिनेटली सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग है। जैसे कि होंडा की जो PCM या PCX जो आने वाली थी, उसके सेम ही आपको यहाँ पर जो लुक देखने को मिलता है। बड़ी बहुत ही बड़ी गाड़ी है लेंथ वाइज वगैरह देखोगे तो आप, और मार्केट में जो है फर्स्ट टाइम जो यमा ने ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर दिखा है। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4000 बैटरी साइकिल यहाँ पर जो होने वाली चार्जिंग साइकिल एंड फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाला है। ऑफ कोर्स गाइस कि 2023 में जो सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो फास्ट चार्जिंग आने वाला, तो यमा की सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में फास्ट चार्जिंग प्लस बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी वाला जो फीचर्स है, जैसे कि गोग्रो से पार्टनरशिप करने वाली है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो नो प्रॉब्लम, आपको जो रिमूवेबल बैटरी भी प्रोवाइड करेगी यमा। रेंज की बात करें तो गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज आपको जो है 110 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में गाइस सिंगल बैटरी डुअल बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट कंपनी ने यहाँ पर जो वन बैटरी का ही मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज में इन्होंने जो 110 किलोमीटर बताया है। स्पीड की बात करें गाइस तो 85 kmph तक आपको स्पीड देखने को मिल जाता है। मोटर यहाँ पर जो गाइस काफी बड़ी मोटर इसमें यूज की गई है, जैसे कि 8.1 किलोवाट की मोटर यहाँ पर यूज की है, 10.9 HP की मोटर होने वाली है। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में गाइस, इसकी प्राइस यहाँ पर जो एक्सपेक्टिंग प्राइस क्या हो सकती है गाइस। देखो यहाँ पर जो है 2019 में इन्होंने जो शोकेस किया था, तो उस टाइम यहाँ पर जो एक्सपेक्ट प्राइस यहाँ पर बोली गई थी 1,35,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो सकती है। बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में गाइस, वो आती है यमा की तरफ से EC05। गाइस ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी चर्चे में चल रही थी यार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा होंडा का और भी कई सारे ब्रांड के आने वाले। उससे पहले यहाँ पर जिसकी चर्चा चल रही थी कि यमा का जो EC05 भी आने वाला है, और सबसे ज्यादा गाइस इंडिया में यहाँ पर ये लुक जो काफी यहाँ पर जो कस्टमर को पसंद आ रहा है। ऐसे मतलब काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लुक अच्छे नहीं लगते, बट EC05 का लुक जो काफी इंडियन मार्केट के जो कस्टमर है उनको पसंद आ रहा है। तो बात करते हैं मोटर के बारे में, मोटर की बात करें तो 6.4 किलोवाट की आपको मोटर देखने को मिल जाती है। स्पीड की बात करें तो 90 से लेकर 100 kmph तक का स्पीड देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली गाइस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। और रेंज की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिंगल बैटरी और डुअल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। एक्स्ट्रा एक आपको फिक्स बैटरी मिलने वाली है, जैसे कि सिंपल एनर्जी की जो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें आपको वन फिक्स बैटरी, वन रिमूवेबल बैटरी एंड टू रिमूवेबल बैटरी वाला ऑप्शन मिलता है। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको देखने को मिलने वाला है। वन बैटरी में आपको यहाँ पर जो रेंज देखने को मिलने वाली है 110 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलने वाली है। डुअल बैटरी की बात करें तो डुअल बैटरी में आपको 190 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर कंपनी ने बताई है। और गाइज मेरे को यहाँ पर लगता है कि काफी चांसेस है कि यमा की जो EC05 है वो 2023 में ये मॉडल स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि यार न्यू गवर्नमेंट के जो रूल्स आए थे इसकी वजह से जो है यमा जरा सी लेट कर रही थी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के लिए। और यार न्यू ईवी फायर वगैरह लगे और भी कई सारे रूल्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट निकाल रहा है, तो यार उसकी वजह से जो है यमा थोड़ी सी चुप बैठ चुकी है। बट काफी दिन यहाँ पर जो चुप नहीं रहने वाली है, क्योंकि यार इनको यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करना ही पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करें गाइस तो प्राइसिंग यहाँ पर जो एक्सपेक्टिंग प्राइस 1,45,000 से लेकर 1,70,000 तक इसकी जो एक्सपेक्टिंग प्राइस रखी है। बात करते हैं नंबर वन के बारे में गाइस, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कुछ यहाँ पर जो एक दो महीने पहले जो है यमा का जो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आने वाला ऐसा भी चर्चे में चल रहा था। तो ये यहाँ पर जो है 2022 के अगस्त महीने में इससे पहले यहाँ पर जो चल रहा था कि आएगा, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि न्यू रूल्स आने की वजह से जरा थोड़ा सा डिलाई हो रहा है। बट 2023 में न्यू या नहीं तो जो EC05 इन दोनों में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा। बात करें न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले यमा की न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो मॉडल आएंगे, स्लो स्पीड और हाई स्पीड वाले दो मॉडल देखने को मिलने वाले है। बात करें हम रेंज की तो 75 किलोमीटर सिंगल बैटरी में बताया है और डुअल बैटरी में जो है 150 किलोमीटर का रेंज बताया है। स्पीड की बात करेगा
गाइस, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पीड आपको 85 केएमपीएच से लेकर 95 केएमपीएच तक का स्पीड देखने को मिलने वाला है। बूट स्पेस गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी ज्यादा मिल जाता है, 27 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और बात करें गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लुक वाइज के, तो गाइस आप जो लुक देख सकते हो, मतलब कुछ दिन पहले काफी चर्चे में चल रहा था कि, और गाइस इन्होंने जो इवेंट में शोकेस भी किया था, तो काफी चांसेस है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले आ सकती है। और गाइस डेफिनेटली गाइस मेरे को जो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से इसका लुक काफी अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। और बात करते हैं मेनली प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हाई स्पीड और लो स्पीड की हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले, बट इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली कंपनी यहाँ पर बता रही है 1,10,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट होगी, जो कि 1,65,000 तक यहाँ पर जा सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ यहाँ पर जो यामाहा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इंडियन मार्केट में 2023 में देखने को मिलने वाले। गाइस ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की न्यूज, अपडेट्स और अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियोस देखने के लिए, क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो अभी के अभी चैनल को, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर जो है कंटेंट आपको क्वालिटी मिलने वाला है, क्वांटिटी कम मिलेगी बट क्वालिटी कंटेंट आपको जो 100% देखने को मिलने वाला है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।